नमस्कार छात्रों, मैं हूँ आबासाहेब धाकतोड़े, निजरेश्वर विद्यालय कोकनगाव, तालुका संगमनेर। हिंदी व्याकरण वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है अव्ययभेद। इस वीडियो में अव्ययभेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अव्यय के भेद। सबसे पहले शब्द है अव्यय। अ का मतलब होता है ना, और वे का मतलब होता है विकार, यानी विकार न होने वाले शब्द। ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों में कोई बदल नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, अपनी जगह वो शब्द कायम रहते हैं, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। लड़का आज नहीं आया, ये मूल वाक्य है। हम ऐसे करते हैं, लड़का आज नहीं आया, इस वाक्य में परिवर्तन करते हैं। लिंग परिवर्तन करके देखते हैं, वचन बदल कर देखते हैं। लड़की आज नहीं आई, लड़की आज नहीं आई। अभी देखो, वचन बदल कर देखते हैं, लड़के आज नहीं आए, लड़के आज नहीं आए। देखो छात्रों, पहले वाक्य में लाल अक्षर वाला शब्द है आज, दूसरे वाक्य में लाल अक्षर वाला शब्द है आज, तीसरे वाक्य में लाल अक्षर वाला शब्द है आज। मतलब आज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। अव्यय अविकारी शब्द परिभाषा देखते, जिन शब्दों में विकार नहीं होता उसे अविकारी शब्द यानी अव्यय कहते हैं। मतलब ये शब्द मूल रूप में रहते हैं। दूसरी परिभाषा हम कर सकते हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन यानी विकार नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। जैसे आज, भीतर, थोड़ा, क्योंकि, किंतु, तेज, अचानक, ये जो शब्द है ये शब्द अविकारी शब्द है। अव्यय के चार प्रकार है, उनमें से पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय, दो नंबर का प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय, तीन नंबर का प्रकार है संबंध बोधक अव्यय, चार नंबर का प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय, और जो पांच नंबर का प्रकार है निपात, जो अभ्यासक्रम में नहीं है। तो देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में जानकारी। क्रिया विशेषण इस शब्द का अर्थ यह होता है कि क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द। जो भी क्रिया हम करते हैं, ये क्रिया किस प्रकार करते हैं, कहाँ करते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय के तीन भेद हैं। जैसे देखो छात्रों, ये जो रीति है, ये क्रिया की रीति बताने वाले शब्द, क्रिया का स्थान बताने वाले शब्द, और तीन नंबर का है काल, क्रिया का काल बताने वाले शब्द। रीति, स्थान, काल और परिमाण बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो देखते हैं रीतिवाचक शब्द, क्रिया की रीति बताने वाले शब्द। लाल अक्षर में शब्द है तेज, धीरे धीरे, एकाएक, अचानक। ये शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द है। जैसे देखो, हम वाक्य में प्रयोग करते हैं धीरे धीरे, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। कैसे चल रही है? धीरे धीरे,
ये रीति बताने वाले शब्द है। मेरे सामने अचानक गाड़ी रुक गई, गाड़ी रुक गई लेकिन कैसी, अचानक। दूसरा क्रिया का स्थान बताने वाले शब्द, ये जो क्रिया होती है ये क्रिया कहाँ होती है, स्थान बताने वाले शब्द, बाहर, नीचे, इधर, भीतर, ऊपर, वहाँ आदि शब्द। क्रिया का काल बताने वाले शब्द, काल मतलब क्रिया जब होती है कब होती है, ये बताने वाले शब्द, आज, अभी, कल, जल्दी, देर से। उदाहरण के लिए गाड़ी देर से आ रही है। और परिमाण बताने वाले शब्द, मतलब ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों को हम गणन भी कहते हैं। गणन, कम, अधिक, ज़्यादा, काफ़ी, बहुत, थोड़ा, पर्याप्त आदि शब्द परिमाण बताने वाले हैं। ऐसे शब्दों को भी अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। पहला उदाहरण देखते हैं, लक्ष्मी तू वहाँ इत्मीनान से रहना, जो लाल अक्षर वाला शब्द है, ये शब्द स्थान का बोध करता है, इसलिए यह है क्रिया विशेषण अव्यय। दो नंबर का वाक्य है, आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली, आंखें खोली लेकिन कैसे, धीरे धीरे, ये भी एक क्रिया विशेषण अव्यय है। राम मेरे दिल की बात तुरंत समझ गया, राम मेरे दिल की बात तुरंत समझ गया। तुरंत शब्द समय का पता चलता है, इसलिए क्रिया विशेषण अव्यय। जह तह रहे पथिक थकी जाना, तो चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे भेद की ओर। भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। छात्रों, समुच्चय बोधक अव्यय का अर्थ यह होता है, नाम ही अर्थ छुपा है, समुच्चय, समुच्चय का मतलब जोड़ना। उनकी परिभाषा देखो, दो स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले अव्ययों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं, किंतु, लेकिन, बल्कि, फिर भी, क्योंकि, इसलिए, या, नहीं तो, वरना। ये जो शब्द है ये है समुच्चय बोधक अव्यय। ये शब्द, लाल अक्षर वाले शब्द, एक तो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के कुछ उदाहरण इस प्रकार है, मैंने आदर पाया और निरादर भी। वाक्य में और शब्द दिखाई देता है लेकिन इन और ने दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया है। मैंने आदर पाया एक वाक्य, निरादर भी दूसरा वाक्य, दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया और ने, इसलिए और ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। पाव इधर उधर गया तो मुझ आ जाएगी, दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया है। पाव इधर उधर गया, एक वाक्य, मुझ आ जाएगी, ये दूसरा वाक्य, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया है तो ने, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय है। तीन नंबर का वाक्य, गोवा में उमस थी, एक वाक्य है, मुंबई जितनी नहीं, दूसरा वाक्य, लेकिन शब्द ने जोर दिया, इसलिए लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय है। चार नंबर का वाक्य, मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे, दूसरा वाक्य, कब मेरी टांग टूटे, लेकिन अगर आप पढ़ते वाक्य, मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे, यह अर्थपूर्ण वाक्य है लेकिन दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया है कि ने, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय है। और देखो छात्रों, ये जो की है ये की ह्रस्व की है, दीर्घ की नहीं,
तो ये ह्रस्व वाले की अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय। अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने जल्दी से लपकानंद को चाय पिलाई और विदा किया। यह भी दो वाक्य है। मैंने जल्दी से लपकानंद को चाय पिलाई एक वाक्य है, विदा किया दूसरा वाक्य है। दोनों वाक्यों को जोड़ दिया और ने, इसलिए और समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला भेद देखते हैं, संबंध बोधक अव्यय। देखो छात्रों, प्रश्न पत्र में कभी कभी संबंध सूचक अव्यय का भी नाम आता है, यानी संबंध बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय दोनों ही एक है। परिभाषा देखते हैं। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय के पहले का, की, के अथवा रा, री, रे ये प्रत्यय लगता है। के साथ, के सामने, की भांति, के आगे आदि जो शब्द है, ये शब्द संबंध बोधक अव्यय के रूप में होते हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक अव्यय इस तरह है, तरफ, और, बाद, पीछे, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर आदि शब्द संबंध बोधक अव्यय है। अधिक स्पष्टीकरण के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं मित्र के साथ घूमने गया, मैं घूमने गया लेकिन मित्र के साथ, इसलिए के साथ यह है संबंध बोधक अव्यय। गौरा के कान कमल के पंखुड़ियों की भांति थे, कान की तुलना की है, संबंध बताए। गौरा के कान कैसे थे, कमल के पंखुड़ियों की भांति जैसे थे, इसलिए की भांति संबंध बोधक अव्यय। यहाँ देखो, दर्द के मारे मैं चिक पड़ा, दर्द के मारे संबंध बोधक अव्यय। पिताजी जंगल की तरफ निकल गए, पिताजी जंगल की तरफ निकल गए। निकल जाना जंगल की तरफ संबंध बोधक अव्यय है। बालक चांद की ओर देख रहा है, बालक चांद की ओर देख रहा है, देखना है, देखने की क्रिया हो रही है, लेकिन चांद की ओर देख रहा है, इसलिए की ओर ये संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। चलो देखते हैं चौथा प्रकार, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय का अर्थ यह होता है कि कभी कभी हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जब हमारे मन में कभी कभी डर की भावना होती है, घृणा की भावना होती है, हर्ष की भावना होती है, तब ऐसे शब्द निकलते हैं। ऐसे शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। विस्मय प्रशंसा, घृणा, प्रेम, शोक, चेतावनी आदि भावों को प्रकट करने वाले अव्ययों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ उदाहरण ऐसे हैं। हाय, हे राम, ओहो, राम राम, धत, शाबाश, बापरे, ये शब्द विस्मयादि बोधक है। जैसे धत, धत तेरे की, तुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। कभी कभी डर की भावना होती है, अचानक सामने सांप होता है तो आपके मुंह से शब्द निकलता है, बाप रे कितना बड़ा सांप। ये विस्मयादि बोधक अव्यय के कुछ उदाहरण है। विस्मयादि बोधक अव्यय के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। वाह, यह बगीचा तो बहुत सुंदर है। छी, कितनी गंदगी है। तीन नंबर का वाक्य है, आहा, नर्तकी ने कितना सुंदर नृत्य किया। ये हर्ष की भावना है। वाह, कितना सुंदर है ताजमहल। वाह, छी, आहा, वहाँ, ये शब्द देखो, इन शब्दों में एक चिन्ह होता है। देखो ये चिन्ह है विस्मयादि बोधक, इसलिए ये शब्द है विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय छी के सामने भी एक चिन्ह है, आ के सामने भी है, वा के सामने भी है। मतलब विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा यह है कि इनमें
विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है या अल्प विराम का चिन्ह होता है। दसवीं कक्षा में और नवीं कक्षा में दो प्रकार के प्रश्न होते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित अवयव के प्रकार लिखिए। मतलब वाक्य दिया जाएगा, वाक्य में एक शब्द ऐसा होगा जो आधोरेखांकित होगा और उस आधोरेखांकित शब्दों का अव्यय आपको लिखना होगा। रमेश तेज भागता है, उदाहरण रमेश तेज भागता है, यह है शब्द तेज। रमेश तेज भागता है, कैसे भागता है? तेज मतलब क्रिया के बारे में उस विशेष जानकारी दी है, इसलिए यह है क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा वाक्य है, यह छोटा सा शहर है लेकिन इसके कणकण में वीरता भरी दिखाई देती है। अधूरकी शब्द लेकिन है, लेकिन देखो यह छोटा सा शहर है एक वाक्य, इसके कणकण में वीरता भरी दिखाई देती है। दूसरा वाक्य, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया है इसलिए लेकिन यह शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। तीन नंबर का वाक्य है, गर्मी के मारे लोग परेशान थे, के मारे संबंध बताया इसलिए यह है संबंध बोधक अव्यय। चार नंबर, तार बिना झंकार नहीं है, इस वाक्य में भी संबंध बताया इसलिए ये बिना संबंध बोधक अव्यय है। मझधारों को पार नहीं है किंतु साहस को डूबना स्वीकार नहीं है, यह किंतु शब्द है। देखो किंतु गलती से अधूरकित नहीं किया गया। मझधारों को पार नहीं है किंतु साहस को डूबना स्वीकार नहीं है, ये जो शब्द है यह है समुच्चय बोधक अव्यय, क्योंकि किंतु ने दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया है। दो नंबर का प्रश्न, देखो यहाँ वाक्य दिया जाएगा लेकिन अधूरकी शब्द नहीं होगा, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अवयवों को पहचान कर उनके भेद लिखिए। प्रश्न देखते हैं, अभी अभी भारी वर्षा हुई, अभी अभी भारी वर्षा हुई अधूरकी शब्द नहीं है लेकिन अभी अभी जो शब्द है कब हुई? अभी अभी, इसलिए अभी अभी जो शब्द है क्रिया विशेषण अव्यय है। दो नंबर का वाक्य है, घर के पास पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ है लेकिन कहाँ है? घर के पास, के पास, इसलिए यह संबंध बोधक अव्यय, के पास संबंध बोधक अव्यय। तीन नंबर का वाक्य है, हाँ मैं आज ही माँ से मिलूंगा, ये भावना है इसलिए। और देखो एक तो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है या अल्पविराम होता है, तो यह अल्पविराम है इसलिए यह है विस्मयादि बोधक अव्यय। हाँ चार नंबर का वाक्य है, राम और श्याम दोनों जुड़वा भाई थे, मतलब राम और श्याम दोनों को जो दो शब्द है दो शब्दों को जोड़ने का काम और ने किया है इसलिए और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। पांच नंबर का वाक्य है, आपने मेरे साथ दगा किया या संबंध बताए, मेरे साथ संबंध बोधक अव्यय। बीमार ने धीरे धीरे आंखें खुली, बीमार ने धीरे धीरे आंखें खुली, आंखें खोलने का काम है क्रिया है और क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे, इसलिए धीरे धीरे ये है क्रिया विशेषण अव्यय। देखो छात्रों आगे बढ़ते हैं, दो प्रश्नों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है आपके लिए। कुछ प्रश्न इस प्रकार है, आज कौन सी परीक्षा है, आपको क्या करना है? वाक्य में अव्यय ढूंढना है और अव्यय का प्रकार भी लिखना है। आज कौन सी परीक्षा है? ओ कंबख्त ने कितनी बेदर्दी से पिटाए, दो नंबर का वाक्य। तीन नंबर का वाक्य है, तीन नंबर का प्रश्न है, तुम वहां इत्मीनान से रोगे लक्ष्मी। चार नंबर का प्रश्न है, दर्द के मारे मैं चीख पड़ा। पांच नंबर का प्रश्न है, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ। देखो छात्रों यह कोई आधुनिक शब्द नहीं है, आपको ढूंढना है
और उनका प्रकार भी लिखना है। 6 नंबर का प्रश्न है, बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। 7 नंबर का प्रश्न है, सांप कमरे के अंदर घुस गया। और अंतिम प्रश्न, करमत अली धीरे धीरे चलकर गाय के पास आया। करमत अली धीरे धीरे चलकर गाय के पास आया। देखो छात्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, बार बार देखना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।